Hello everyone, I am Jyoti Jingar from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today we are going to discuss instruction set in 8085 microprocessor part 6. Instructions kya hote hain? An instruction is a binary bit pattern which performs a specific function in a system. तो एक instruction जो होता है वो 0101 binary का set होता है जो कोई particular function को perform करने के लिए काम आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट. तो इंस्ट्रक्शन सेट के क्लासिफिकेशन इस तरह से है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. यहाँ पार्ट 6 में हम आपको ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे. ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स द कंट्रोल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जो जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसमें उस कंट्रोल को कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है कि अब लाइन बाय लाइन ना करके वो किसी और लोकेशन पर जाकर स्विच करे, वहां पहुंच जाए और वहां के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे. इस तरह से हमें अगर कंट्रोल मतलब हमारे एग्जीक्यूशन को कहीं और स्विच कराना हो, कहीं और जंप कराना हो, तो हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं. The branching instruction alter the normal sequential flow. मतलब branching instructions क्या करते हैं, हमारा एक normal sequential flow चल रहा होता है कि line by line हमें sequential flow करना है, instruction को line by line execute करना है, उसकी जगह branching instructions से हम उसके normal sequential flow को alter मतलब change कर सकते हैं कि अब हम line by line नहीं जाएंगे और हम किसी भी line पर switch या jump कर सकते हैं. This instruction alter either अनकंडीशनली और कंडीशनली. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कंडीशनली मतलब कि किसी कंडीशन किसी टेस्ट केस के एग्जीक्यूट होने पर डिपेंड कर और फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं करके कहीं स्विच होंगे. और अनकंडीशनली मतलब हम कोई टेस्ट केस नहीं करेंगे, सीधा बिना चेक किए कोई टेस्ट केस हम डायरेक्टली जंप कर देंगे या स्विच कर लेंगे. तो इस तरह से ये दो तरह के होते हैं. अब हम देखते हैं जंप इंस्ट्रक्शन. तो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन टेस्ट फॉर अ सर्टेन कंडीशन एंड अल्टर द प्रोग्राम सीक्वेंस व्हेन द कंडीशन इज मेट. तो हमारे जंप इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जंप ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, वो भी दो तरह के होते हैं. एक होता है कंडीशनल और दूसरा होता है अनकंडीशनल. जो हमारे कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक कंडीशन को टेस्ट करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो प्रोग्राम सिक्वेंस से मतलब नॉर्मल फ्लो से कहीं और जंप करेंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स बैठती है तो वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेंगे. तो मतलब स्विच होना या ना होना हमारे टेस्ट कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स होने पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल जीरो और कैरी फ्लैग. तो यहां पर ये क्या करेगा, चेक करेगा कि जीरो फ्लैग में क्या सेट है. अगर वन सेट है तो हमें कहां जाना है और अगर जीरो सेट है तो हमें कहां जाना है. तो इस तरह से हम कंडीशन चेक करेंगे और उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स पर हम डिसीजन लेंगे कि हमें कहां स्विच करना है. The instruction set also includes an instruction called unconditional jump where test condition is not given for jump. तो कुछ unconditional jump भी होते हैं जो कि हम उसमें हम condition check नहीं करते हैं, हम without condition check किए सीधा ही jump ही करेंगे हमेशा. तो इस तरह से unconditional jump होते हैं. अब हम यहाँ देखते हैं jump, वो भी unconditional jump. तो जंप क्या कैसे करता है, ये है हमारा ऑपकोड JMP जो कि जंप विद इन अ प्रोग्राम. तो मतलब एक प्रोग्राम जिसमें हमने सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो वो उसी प्रोग्राम के अंदर कहीं और लोकेशन पर जंप करेगा, जिसका ऑपकोड है JMP और जिसका ऑपरेंड है 16 बिट एड्रेस. और ये क्या काम करता है, जंप अनकंडीशनली मतलब कि ये जंप करेगा अनकंडीशनली मतलब बिना टेस्ट केस चेक किए हुए जंप करेगा. तो द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय 16 बिट एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड. तो प्रोग्राम सीक्वेंस जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा है वहां से किसी और लोकेशन पर जो कि हमने ऑपरेंड में दी हुई है 16 बिट एड्रेस, वहां पर जाकर जंप करेगा. और यहाँ हमने कोई कंडीशन चेक करनी ही नहीं है, डायरेक्टली हमें हर केस में जंप करना ही है. तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ हमने लिखा है JMP 2034H. H क्या बता रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है हमारा 2034 और ये 2034 जो है वो क्या है, 16 बिट एड्रेस है जो कि हेक्साडेसिमल में प्रेजेंट हुआ है. अब हमें जब भी ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन आता है हमारे प्रोग्राम में, इसका मतलब है कि आपको इस लोकेशन पर जाकर जंप कर जाना है
आप जहां पर भी है, जिस भी लाइन पर है, वहां से आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है वो हमारा होगा 2034 लोकेशन पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से जंप अनकंडीशनली काम करता है। यहां हम देखते हैं जंप कंडीशनली, इसका ऑपकोड है JX। यहाँ एक्स जो है वहां पर हम कोई फ्लैग रख सकते हैं जो उस फ्लैग के बिट को चेक करेंगे कि अगर वो फ्लैग जो है सेट है तो हमें जंप करना है, या फिर वो फ्लैग रीसेट है तो हमें जंप करना है। तो इस तरह से कोई भी टेस्ट केस रखा जा सकता है। इसका ऑपरेंड है 16-bit एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पर जाकर हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, मतलब इस एड्रेस पर स्विच करना है। और ये क्या करता है, जंप कंडीशनली, मतलब कंडीशन को चेक करके जंप करेगा। तो द प्रोग्राम सिक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16-bit एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड फ्लैग ऑफ द PSW। तो हमारे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में जो भी फ्लैग है उसको वो चेक करेगा कि अगर वो सेट है तो हमें जंप करना है, या वो रीसेट है तो हमें जंप करना है। और वो जहां पे भी जंप करेगा तो वो लोकेशन हमें ऑपरेंड में देखनी है कि उसे कहाँ जंप करना है। वहां पर हमने 16-bit एड्रेस दिया हुआ है, उस लोकेशन पर जाकर स्विच या जंप करना है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर लिया हुआ है JZ, तो मतलब एक्स में हमने जेड फ्लैग रखा है। जेड क्या है, जीरो फ्लैग। और यहाँ पर हमने एड्रेस लिया है 2034H। एच जो है वो हेक्साडेसिमल को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है 2034, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, जंप इफ जेड मतलब जीरो फ्लैग इज वन। अगर हमारा जीरो फ्लैग वन है तो इसे जंप करना है, और कहाँ जंप करना है, 2034 हेक्साडेसिमल वैल्यू वाली लोकेशन पर, मेमोरी लोकेशन पर। और अगर ये जीरो नहीं है तो हमें जंप नहीं करना है, हमें जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो हमें करना है। तो इस तरह से हमारा जंप कंडीशनली काम करता है। अब हम दूसरे जंप देख लेते हैं जो कि दूसरे फ्लैग्स को चेक करते हुए जंप करते हैं। यहाँ पर है ऑपकोड JC। JC मतलब जंप इफ कैरी। तो हमारा अगर कैरी फ्लैग जो है वो वन सेट हो रखा है तो हमें जंप करना है, और अगर नहीं है, जीरो हो रखा है, तो हमें जंप नहीं करना है, मतलब सिक्वेंशियल फ्लो होना है। अब यहाँ है दूसरा JNC, मतलब जंप इफ नो कैरी। तो अगर कैरी फ्लैग जीरो है, मतलब कि हमारा कैरी फ्लैग है वो सेट नहीं है, सेट नहीं होने का मतलब वो जीरो है, तो हमें जंप करना है, और अगर वो वन है तो हमें जंप नहीं करना। ये वही हम देखते हैं, यहाँ है JB, मतलब जंप इफ पॉजिटिव। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है, मतलब कि हमारा साइन फ्लैग जो है वो जीरो है, तो हमें जंप करना है। और साइन फ्लैग जब भी जीरो होता है इसका मतलब हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है। अगर साइन फ्लैग जो है वो वन होता है इसका मतलब है हमारा नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर हमें अगर पॉजिटिव के लिए चेक करना है तो साइन फ्लैग को देखेंगे। साइन फ्लैग में अगर जीरो सेट है मतलब नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी टेस्ट कंडीशन ट्रू बैठ रही है, इसका मतलब हमें जंप करना है। वही हम दूसरा देखते हैं JM। JM मतलब जंप इफ माइनस। अब नेगेटिव नंबर का चेक कैसे करेंगे, अगर साइन फ्लैग जो है वो वन सेट है इसका मतलब नंबर नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें जंप करना है, और अदरवाइज हमें सिक्वेंशियल फ्लो करना है। वही हम देखते हैं JZ जो कि कह रहा है जंप इफ जीरो, मतलब कि जीरो फ्लैग अगर सेट है तो हमें जंप करना है, और अगर नहीं है तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा। वही दूसरा है JNZ, मतलब जंप इफ नो जीरो। अगर जीरो जो है वो वन सेट है तो हमें नहीं जंप करना है, जबकि अगर जीरो जो है, जीरो फ्लैग वो जीरो सेट है तो हमें जंप करना है। अब है JPE, मतलब जंप इफ पैरिटी इवन। तो हमारा पैरिटी फ्लैग जो है वो कब वन सेट होता है, जब हमारे इवन नंबर ऑफ वन होते हैं। तो अगर पैरिटी फ्लैग सेट है तो हमें जंप करना है, और अगर पैरिटी फ्लैग सेट नहीं है, मतलब हमारा नंबर जो है वो ऑड है, तो हमें जंप नहीं करना है, नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करना है। वहीं JPO मतलब जंप इफ पैरिटी ओड। पैरिटी ओड का मतलब है हमारा नंबर जो है वो ओड है, अगर नंबर ओड है तो पैरिटी फ्लैग जो है वो जीरो सेट रहेगा, और अगर पैरिटी फ्लैग जीरो सेट है तो हमें जंप करना है, और अगर पैरिटी फ्लैग जीरो सेट नहीं है तो हमें जंप नहीं करना है और सिक्वेंशियल फ्लो में एग्जीक्यूशन करना है। तो इस तरह से हमारा जंप ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन काम करता है। बाकी जो है कॉल, रिसेट या रिटर्न इंस्ट्रक्शन है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।